कीमे मत डालना, अगर ज्यादा कीमा चल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ये चिपकेगा नहीं, ठीक है, तो ये ऐसे फट जाएगा। ओके, वैसे भी करेंगे तो भाई ये तरीका है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं चिकन कीमा लेने, है ना मनीष भाई? हाँ। तो चिकन कीमा कितना लेना है? चिकन कीमा आपको 1 किलो लेना है। एक किलो तो ठीक है, तो एक दिन में करीबन चिकन कीमा 1 किलो लग जाता है, तो शाम की प्रिपरेशन मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। तो चलो फिर चलते हैं दुकान पे। तो आ गए हम अभी चिकन शॉप पे। मेरा कीमा लेने का जगह। अच्छा, तो यहीं पे आता है भाई कीमा लेने के लिए, 240 रुपये का। तो भाई 240 रुपये का 1 किलो कीमा पड़ जाता है। तो भाई मनीष भाई यहाँ पे प्याज काटने के लिए रख दिए हैं। और मनीष भाई कितना होगा ये करीबन? करीबन 4 किलो। 4 किलो प्याज है ये, और देख लो भाई की स्पीड, तो फटाफट से इसे प्याज काट देगा। सिर्फ चटनी चटनी में कितना लग जाता है प्याज? चटनी चटनी में ज़्यादा नहीं लगता है, चटनी में मेरा 1 किलो जितना लग जाता है। मोमोज के लिए जाता है, चिकन मोमोज के लिए कम से कम 1 किलो जाता है, और पनीर के लिए ज़्यादा नहीं जाता, पनीर के लिए बस 1/2 किलो जितना चला जाता है, बाकी वेज के लिए भी बस वही है। अच्छा, ऐसे करके 1/2 किलो मतलब हर आइटम में लग जाता है? हर आइटम में, चाउमीन में मेरा कम से कम ज़्यादा नहीं, 1 किलो तो आराम से चला जाएगा चाउमीन में। उसमें पत्ता गोभी भी जाएगा, शिमला मिर्च जाएगा, गाजर जाएगा और प्याज जाएगा, उसी से बस पोपड़ बन के सार सबको टोटली हिसाब करके मेरा 4 किलो। 4 किलो तो ये सबके लिए प्याज काटा है? हाँ, ठीक है। तो ये मोमोज के लिए मैदा डाला जा रहा है टब में। लगभग कितने मोमोज होंगे, बन जाते होंगे इससे? 1200 से 1300 मोमोज बन जाते होंगे ना इससे? हाँ। तो भाई इसमें 1100 से 1200 मोमोज बन जाएंगे इसमें। तो उसके हिसाब से इन्होंने पानी ऐड कर दिया और इसे आटे की तरह गूंदना है। और कितने टाइम तक गूंदेंगे भैया इसे? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट तक गूंदना है। तो जैसे आटा गूंदते हो घर में वैसे ही इसे अच्छे से इसे गूंदना है, जब तक ये पूरा सूख ना जाए। तो भाई ये पूरी अच्छी तरीके से गूंद चुका है, और इसे पूरा टाइट भी नहीं गूंदना, हल्का सा थोड़ा सा नॉर्मल करना है, पूरा टाइट नहीं करना। कौन सा इसमें रिफाइंड डाला है? तेल। कौन सा रिफाइंड? हानी तेल। हाँ, तो यार ये मैदा अच्छी तरीके से इसे गूंद देना, जैसे आप आटा गूंदते हो घर में, और एकदम ज़्यादा टाइट नहीं करना, और थोड़ा सा गुनगुन, ये देखो थोड़ा सा आराम से, जिससे मोमो सही से बन जाते हैं। तो मनीष भाई से पूछ लेते हैं, तो किस हिसाब से इसे गूंदना है? इसको ज़्यादा नहीं, टाइट भी मत करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, गीला भी मत करना। अगर टाइट से क्या होता है, अगर ये टाइट होगा तो आपका मैदा, अगर आप इसको स्टीम करोगे तो इसका क्या होता है कि ज़्यादा मोटा हो जाता है, ये मोटा हो गया, ये सही तो लेयर ढंग से बन नहीं पाती, वो मोटा हो जाता है ना ज़्यादा, अंदर का जो मटेरियल है तो सही से पक नहीं पाता, और ये जो मैदा होता है वो भी अच्छे से पक नहीं पाता, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है, थोड़ा गड़बड़ी आ सकता है ना। तो अच्छा, तो थोड़ा सा ये जब गीला होता है तो इससे क्या होता है कि जितना छोटा भी बेलन है उसको अगर हम बेलते हैं तो पतला हो जाता है, तो उस हिसाब से हम बना भी सकते हैं, और वो खाने में भी अच्छा लगता है, अच्छा होता है, तो अंदर का भी अच्छे से पक जाएगा, बाहर में भी अच्छे से पक जाएगा, इससे खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको ज़्यादा टाइट नहीं, एकदम ठीक से, ठीक हिसाब से, जैसे ये है इसी हिसाब से इसको गूंदना है, गूंदना है। तो अभी इसमें पन्नी क्यों लपेटी जाती है भाई? ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाता है जी। तो इसे अब जब हम रोटी जब बेलते हैं ना तो साइड साइड से फटती है, तो इस हिसाब से हम जैसे पन्नी से लपेट देंगे तो साइड पे फटेगी भी नहीं, एकदम बढ़िया अच्छी हो जाएगी, रोटी बढ़िया होगा। अच्छा, मोमो ज़्यादा फटेगा भी नहीं, सॉफ्ट हो जाए, जितना जितना सॉफ्ट हो जाएगा मोमो उतना अच्छा बनेगा। अच्छा, तो यार ये है चिकन कीमा जो अभी लाए थे, और आज आपको सिखाने वाले हैं चिकन मोमोज की रेसिपी कैसे तैयार होती है। ये है आपका प्याज ग्राइंड किया हुआ, तो ये डाल दिया है इसमें प्याज, तो करीबन ये 1 किलो प्याज होगा, तो इसमें ऐड ऑन कर दिया है चिकन कीमा के साथ। तो इसे ढंग से मैशअप कर लेंगे, ठीक है, तो हाथ से इसे ढंग से मैशअप कर लेंगे। तो यार इसमें पड़ गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ये आ गया आपका चिकन मसाला जी। चिकन मसाला अभी ये आपका रिफाइंड, ये कौन सा मसाला है? चिकन। अच्छा चिकन मसाला है, तो ये आपका इसमें चिकन मसाला पड़ गया। तो ये आपका आ गया अब नमक, मैं इसमें जितना इसी साइड में डाल रहा हूँ। तो ये करीबन 1200 मोमोज बन जाएंगे, तो कितने बनेंगे इससे? इसमें बन जाएंगे बस चिकन ही है मेरा। चिकन मोमोज है तो करीबन कितने, 300 से 400? 600-700 निकल जाएंगे। 600-700 मोमोज के हिसाब से इन्होंने मसाला डाला है, तो नमक भी उसी हिसाब से डाला है स्वादानुसार। अजीनो मोटो डाल दिया अभी इसमें, ये कितना जाएगा करीबन? 100 ग्राम, 100-200 ग्राम इसमें अजीनो मोटो डालना है। और ये है काली मिर्च डाल देना है, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर है ये। और इसमें ये कीमा है, जो कीमा 1 किलो है, 1 किलो कीमा पड़ा है इसमें, तो इससे आपके बन जाएंगे करीबन 500-600 मोमोज बन जाएंगे, चिकन मोमोज। तो इसके ऊपर पड़ गया अब रिफाइंड, करेंगे मिक्स, ठीक है। तो अभी इसे ढंग से मैशअप कर लेंगे, मिक्स करना है इसे प्रॉपर तरीके से। कितनी देर तक इसे मिक्स करना है? बस इसको जब इसका मसाला जब तक बनना जाए, तब तक इसका नमक हाथ में जब तक लगेगा तब तक ये मसाला कहीं अलग से कुछ रह ना जाए, गांठ की बनी हुई ना, तब तक इसका इसको मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करते रहेंगे इसको, जितना मिक्स करेंगे उतना बढ़िया होगा ये मसाला, अच्छे से जितना भी मसाला है इसका मर जाएगा सारा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो भाई ये पन्नी से बाहर निकल दिया फाइनली, तो अभी इसे ढक्कन सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। कैसे बनाते हैं मोमोज तैयार कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहले काट लिया इनको, ये अलग रख लिया ना वेज मोमोज के लिए, वेज के लिए ये हो गया, चिकन के लिए ये हो गया। सांप जैसे क्या बना तो भाई ये अलग अलग लंबे में कर दिए हैं, अब इन्हें कट कर देगा ना, तो सारे साइज बराबर। तो भाई ये अच्छा है, इतना पीस बनाना है, तो ये देख लो पीसेस कितने बनाने हैं, तो हर किसी का साइज इतना ही रहेगा, सारे ही बराबर साइज में होंगे। तो भाई ये मोमोज के सर्कल बना दिए हैं डो, और ये यहाँ पे ये चपाती टाइप में बना दिए, हर किसी की शेप बराबर है, ये देख लो यहाँ पे ये तैयार हो रखी है, और हर किसी की शेप बराबर है। और एक बार भाई एक बार दिखा देना कितने वो थिक है या थिन है, मोटे या पतले कितने हो गए, देख सकते हो? तो इनका साइज देख लो, और देख लो ज़्यादा मोटे भी नहीं है, पतले पतले बना दिए भाई ने जी, पतले हैं ये। हाँ तो इस टाइप में आपको बनाने हैं, तैयार करने हैं। अगर क्या है कि आपको जब बेलना मुश्किल हो जाए मैदा से, तो कुछ मत करना, तेल लगा लेना, तेल से आपको एकदम सॉफ्ट हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे ये चिकन मोमोज पैक्ड हो रहे हैं, इसमें पैकिंग बोलेंगे ना जी, पैक। तो ये देख लो भाई तरीका मोमोज बनाने का, एक कैसे करना है, ये लिया आपने
ये चिकन मोमोज भरा, ज्यादा कीमा मत डालना, अगर ज्यादा कीमा चल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ये चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे फट जाएगा। ओके, तो ऐसे भी करेंगे। तो भाई ये तरीका है, तो अभी देखने में आसान लग रहा होगा मगर आसान नहीं है इतना भी, क्योंकि भाई को अभी एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो ये इस टाइप से मोमोज बन जाएंगे। तो भाई ये तरीका है। इसमें लगा दिया है रिफाइंड ऑयल। हाँ, रिफाइंड ऑयल लगा दिया, क्योंकि चिपके ना। अच्छा, रिफाइंड ऑयल इसमें देख लो लगा दिया, और इसमें ये स्टीम होने के लिए तो भाई यहाँ पे ये स्टीम होने के लिए यहाँ पे रख दिए मोमोज। तो बस ये थे आपके चिकन मोमोज बनाने की रेसिपी। आई होप यार आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो ये लो जी, चिकन मोमोज बन के तैयार हो गए हैं।